करने के लिए और लाइफ में और वृद्धि लाने के लिए क्या करना चाहिए? We are going to quickly give you tips. अगर आपकी राइटिंग में एंगल्स बढ़ रहे हैं तो ये स्ट्रेस गिविंग होते हैं. अगर कोई अक्षर सपोज ए जो है वो तो एंगुलर होना ही चाहिए, तो बी एंगुलर नहीं होना चाहिए, वो ऐसा कर्वी होना चाहिए, पर कई लोग ऐसा बी लिख डालते हैं तो ये इनके लाइफ में स्ट्रेस आता ही है. तो जो एंगल्स अगर हम हटा सके, अननेसेसरी एंगल्स, तो देट विल गिव अस लेस स्ट्रेस. ग्राफोलॉजी में कुछ लेटर्स हैं जो कि आपको पैसा अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, पर विथ कॉम्बिनेशन टू अदर लेटर्स और अदर ट्रेड्स ऑफ द हैंडराइटिंग. अगर आपका वाई ऐसा है विथ अदर पॉजिटिव ट्रेड्स इन योर राइटिंग, दिस कैन अट्रैक्ट मनी. पर अगर आपने ये मनी बैग ज्यादा लाना है तो ये इतना लंबा या इतना इन्फ्लेटेड कर दिया तो दिस इज नॉट मनी बैग प्रपोर्शन. ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है. स्ट्रेस रिलीज के लिए मैं एक पैटर्न देना चाहूंगी अपने दर्शकों को. अगर ये लाइन्स हैं आपके पेपर पर, आपको ये मूवमेंट करना है. अगर आप किसी समय स्ट्रेस में हो, टेंशन बढ़ रहा है, ये रहा, तो दिन में एक पेज पर लिख लीजिए 5-10 मिनट तक, आपका स्ट्रेस रिलीज होता रहेगा. रिलेशनशिप बेटर रखने की एक टिप. रिलेशनशिप बेटर रखने के लिए हमारा कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, गार्लैंड कनेक्शन. जो भी हम अक्षर जब हम मिनिमम लिखते हैं तो ये जो एम है ये इसे हम आर्किड शेप कहते हैं, वो ज्यादा बढ़ जाता है. पर अगर आपको ये चाहिए तो आपको लिखना है ये जो शेप आता है, ये है कनेक्शन के लिए, दिस इज कॉल्ड गार्लैंड. तो अगर आपके गार्लैंड्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका रिलेशन और वर्ड स्पेसिंग उन सब पर भी कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे होते हैं, तब जाकर रिलेशन अच्छा बनता है. सिर्फ एक पर हम नहीं पूरा रिलाय कर सकते, पर ये एक छोटी सी टिप है जो आपको ध्यान में. रेडियो सिटी पर तो आपने मुझे सुना ही है, परंतु अगर आप मुझे कभी भी अपने बच्चों के राइटिंग के बारे में या अपने खुद के राइटिंग के लिए या अपने हेल्थ वेल्थ या रिलेशनशिप के किसी भी इश्यू के लिए आप अगर मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, 9323151603 ये मेरा नंबर है, और ग्राफोलॉजी. थैंक यू अनुपमा जी, दैट वाज ग्रेट. मुझे भी अच्छा लगा, रेडियो सिटी पर आपने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद. हाँ, रेडियो जॉकीज की राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि हम लोग मैंने देखी हमने देखी. और आई एम सो हैप्पी कि एक टीचर जो है इतनी इनिशिएटिव के साथ अपने बच्चों के फ्यूचर को, इंडिया के फ्यूचर को बेटर करने जा रही है. वी आर वेरी वेरी प्राउड टू हैव अ लवली टीचर इन यू एंड लवली गाइड इन यू अनुपमा जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.